आई एम अनमोल श्रीवास्तव। सो ये जो है मेरा बहुत मन था इसको चलाने का, थार ऑटोमेटिक डीजल में, क्योंकि मॉडिफाई कराई हुई है तो थोड़ा सा चेंजेस भी हुए हैं इसमें, टायर साइज बढ़ गया है और सारी चीज़ें हैं। तो आज इसको चलाएंगे और सारी बात करेंगे, देव भैया से भी एक्सपीरियंस चलाते हुए भी जानेंगे कि चलने में क्या देव भैया का एक्सपीरियंस रहा है। बाकी मैं जो फील करूँगा तो वो मैं आपको बताऊँगा ही। Prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down. Can you pick me? ऑटोमेटिक का बस यही एक फ़ायदा है कि हम जो है इसको आराम से जो है चला सकते हैं। बाकी पावर तो यार बहुत है, मतलब बिना एक्सीलेटर के ये जो है अच्छी खासी स्पीड पे आपकी जा रही है, कम से कम 9-10 की स्पीड पे जा रही है। तो अच्छा, ये स्टेयरिंग जैसे अभी ये 20 इंची के अलॉय लगे हैं तो उससे उससे थोड़ा हार्ड हुआ होगा स्टेयरिंग, हार्ड है हाँ पहले के मुकाबले। हाँ तो वही चीज़ मुझे भी लगी, फील हुई थी कि मतलब स्टेयरिंग इसका जो स्टॉक आती है उसका जो है बहुत हल्का है, लेकिन इसका जो है हार्ड है हल्का सा, क्योंकि 20 इंची के अलॉय लगे हैं आपके। और मतलब एक हाथ से थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उतनी, मतलब चलाना चाहे तो चला सकते हैं। और बाकी ये देखो, बहुत धीरे मतलब, लेकिन ठीक है ऑटोमेटिक के हिसाब से। ब्रेक देखते हैं इसके कैसे है, ब्रेक यार वो मजा नहीं है ब्रेक में, ठीक ब्रेक में है वो भाई। मजा नहीं आया मुझे। अब आप इसी ब्रेक तो फॉर्च्यूनर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मजा फॉर्च्यूनर आएगा। नहीं इसके, अरे मेरी गाड़ी के इससे अच्छे है मेरे को तो लगता ये है। तो हैवी भी जा रही है ना, तो इसे रोकने में टाइम लगता है। मेरी मेरी गाड़ी देखिए एल्ट्रॉज है मतलब, अच्छा, तो उसके ब्रेक मुझे इससे अच्छे लगे। भी भारी भी है ना, वो वजनदार गाड़ी है उसमें मतलब वो मजा आती है उसको चलाने में, उसको चलाने का अलग मजा है, इसको चलाने का अलग मजा है। बाकी बोनट इसका मुझे पूरा दिख रहा है, हाइट इसकी ऊंची कर रखी है ना, हाँ थोड़ी ऊपर हाँ, हुई जरा। तो जो है वो उसकी वजह से भी ऐसे भी आपको इसका पूरा बोनट दिखता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी गाय यार पूरा ऊपर बैठता है, ऐसा लगता है ट्रक चला रहा है तो वो चीज़ें, लेकिन बाकी मज़ा आती है चलाने में। और एसी तो इसका अच्छा ही, तो आपको कैसा लगता है भैया जब चलाते हो आप? मुझे बहुत मजा आती है चलाने में, जब ये टाइम पास देखो करना होता है तो इसी निकाल ले चलाने के लिए। भैया इसकी तो, इसके ब्रेक उतने मतलब ठीक है लगते हैं, लेकिन उस हिसाब के नहीं है ब्रेक इसके। ये चीज़ तो हर थार ओनर का कहना है कि ब्रेक उसके इतने अच्छे नहीं है। हाँ ठीक है, ये तेज चलाने वाली गाड़ी नहीं है, तेज चलाने वाली इसलिए नहीं है, ब्रेक इतने वैसे और नहीं है। लेकिन ये है मेन जो मजा देती है, फिर वो चीज आ जाती है ना, हाँ आप इसको तेज नहीं चलाओगे, आप इसको कुदाओगे फंदाओगे, कहीं पे भी ले जा सकते हैं कहीं आप। पे ले जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है हाँ आपकी कि आपको कहाँ कि यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। है। 4x4 लगाओ अपना, लेके चलते बनो। तो अभी ये 4x2 में है, अभी ये नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल चल रही है, वही 4x2 में है। अभी से फोर पीछे बाई वाले फोर टायर में चल रहा है। हाँ, और 4x4 में कर देंगे तो आगे वाली भी चलेंगे तो थोड़ा सा और खींचती है जल्दी। बाकी एसी इसका यार बहुत अच्छा है, ये तो छोटी भी मतलब मज़ा आती चलाने में भाई, आराम आराम से ही चलाने वाली गाड़ी है। आप इसको भगाएंगे तो जो है थोड़ा सा आपको इसका हॉर्न वाला भी टाइट लगता है हल्का सा, वो हैंडल टावर लगा है इस वजह से वो थोड़ा टाइट हो जाए। ये देखो ये जो है इसे, तो भाई ये ड्राइव वाली तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसको इसकी ज़्यादा लंबी बनाने की कोई मतलब नहीं है। थार सबने चलाई हुई है, कभी कहीं ना कहीं तो चलाई ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि चलाई नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें। बाकी जो है मतलब पावर फिगर के हिसाब से वो कहा जाए तो बहुत अच्छी है। और जो अगर बात करें तो इसका स्टेयरिंग 20 इंच अलॉय की वजह से थोड़ा हार्ड है, लेकिन जो है वैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा स्टेयरिंग, मतलब इतना हार्ड होना चाहिए। अच्छा 120 की स्पीड पर जैसे आप जाते हो तो मतलब हार्ड हो जाता है स्टेयरिंग की? नहीं
120 पे थोड़ी गाड़ी डिसबैलेंस ही होती है, डिसबैलेंस ही होने लगती है। आप उसे गाड़ी हिला धुला नहीं सकते, आप तो सीधी चला नहीं, तो आप 120 चला सकते हैं, आप इसे घुमा फिरा नहीं सकते 120 पे, घुमा फिरा नहीं सकते। हाँ तो मतलब वही चीज है, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है इसकी। लेकिन टायर लगने में थोड़ी बेटर हुई है पहले से, थोड़ी बेटर हुई, टायर चौड़े हो रहे हैं ना। हाँ रोड पे ग्रिप अच्छी, रोड पे ग्रिप अच्छी बनती है। तो ये चीज है, बाकी क्या चीज आप करवा सकते हो इसमें, क्या चीज आपको अच्छी मतलब सही रहेगा करवाने के लिए कि नहीं, क्योंकि 26,000 किलोमीटर चल चुकी है, अच्छा खासा डिस्टेंस होता है एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो यही था आज का वीडियो, मुझे चलाने में ठीक लगी, बस वही है जो सबका कहना है, वही मेरा कहना है, ब्रेक इसके थोड़े इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बहुत अच्छी चलती है। और तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा, जो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।